एवरीबडी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले वर्कबुक से, आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट को आप कौन से नाम से जानते हो? मैरीगोल्ड से। ओके, तो चलिए देखते हैं यूनिट टू का पार्ट फाइव। यहाँ पर देखिए, यूनिट टू के पार्ट फाइव में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डज द लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी, है ना? हु इयर हिम, ओके ओके। What does the wish woman give him? What does the giraffe do? What does the little monkey want? ये सब questions जो दिए गए हैं, इनकी मैं आपको PDF send करूँगी, उसको आपको notebook में write down करना है। आप बार बार question पूछते हो कि हमको notebook में क्या लिखना है, तो ये questions answer आपको notebook में PDF send किया जाएगा, तो आपको notebook में ही write down करना है। बाकी आपको किस में करना है? Workbook में। What does the elephant do? What does the little monkey want? What does the zebra have on his body? Why does the little monkey want to be himself again? है ना? तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको टेक्स्ट बुक में अभी चैप्टर बताया था पार्ट फोर में, ओके? तो उसका आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस को मैं अभी आपको नहीं समझा रही, क्योंकि इसकी मैं आपको आंसर्स PDF सेंड करूँगी। तो अभी आप हमको जो एक्सरसाइज देखनी है वो चलिए चालू करते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ ए बी सी ऑप्शन जो हैं उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है, ओके? द लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी, लिटिल मंकी क्या था, क्या अपने आप के बारे में क्या सोचता था, कि वो कैसा है? बिग और स्ट्रांग है। क्या है? बिग और स्ट्रांग है, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स हियर हिम, वो किसको कहता है ये इसके लिए? अ विश वुमेन, वो किसको कहता है? अ विश वुमेन, वुमेन को कहता है कि मैं एक विश मांगता हूँ। अ विश वुमेन गिव हिम अ, है ना? तो जो वुमेन होती है, जो लेडी होती है, वो विश देती है, उसको क्या देती है? तो मैजिक बैंड देती है। मैजिक एक स्टिक रहती है, मैजिक बैंड रहती है, वो उसको देती है कि तुम इससे कोई भी विश मांगो वो तुम्हें मिल जाएगी, ओके? द फिल इन द ब्लैंक स्ट्रेच हिज लॉन्ग नेक, और वो खींचकर अपने नेक को जब खींचता है तो किसकी तरह उसका नेक बन जाता है? तो आपने चैप्टर में पढ़ा था जिराफ की तरह। हमारा आंसर क्या आएगा? जिराफ। द एलिफेंट फिल्स हीज फिल इन द ब्लैंक्स विथ वाटर, वो किसकी तरह चाहता था? एलिफेंट की तरह क्या चाहता था कि उसमें वाटर भर कर ला सके? तो ट्रंक चाहता था। क्या चाहता था वो? ट्रंक चाहता था, एक लंबी सूंड चाहता था एलिफेंट की। द जेब्रा हैज फिल इन द ब्लैंक ऑन हिज बॉडी, वो जेब्रा की तरह क्या चाहता था अपनी बॉडी में? स्ट्रिप्स, धारियाँ, लाइने चाहता था, है ना? द लिटिल मंकी सी अ फिल इन द ब्लैंक इन रिवर, लिटिल मंकी क्या देखता है अपने, लिटिल मंकी क्या देखता है अपने इन द रिवर, रिवर में मॉनेस्टर दिखाई देता है उसको, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, एक विचित्र टाइप का प्राणी बन जाता है, उसका फेस अलग होता है, उसकी नेक अलग होती है ना, उसकी बॉडी अलग होती है, तो इस तरीके से वो उसको क्या समझता है? मॉनेस्टर। आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, ओके? फिल इन द ब्लैंक्स, द लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी फिल इन द ब्लैंक, तो लिटिल मंकी क्या चाहता था, क्या कहता था अपने आप को, क्या सोचता था? बिग एंड स्ट्रांग है। द जिराफ स्ट्रेच हिज फिल इन द ब्लैंक नेक, वो जिराफ की तरह क्या चाहता था? लॉन्ग नेक। द एलिफेंट हैज अ फिल इन द ब्लैंक, तो वो क्या चाहता था? ट्रंक। कैसे चाहता था? ट्रंक। द जेब्रा हैज अ फिल इन द ब्लैंक ऑन हिज बॉडी, जेब्रा की तरह अपनी बॉडी में क्या चाहता था? स्ट्रेच। द लिटिल मंकी सी अ फिल इन द ब्लैंक इन द रिवर, तो मॉनेस्टर इन द रिवर, वो एक राक्षस को अपने पानी में देखता है, ओके? राइट ट्रू और फाल्स, द लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी बिग एंड स्ट्रांग, यस वो सोचता था और वो था। द लिटिल मंकी want to be big and strong, right? His mother hear him, वो किससे कहता है अपनी विश के लिए? अपनी मदर से।
रॉन्ग, नहीं, वो एक टू वुमेन दूसरी लेडीज को कहता है। ए विश वुमेन गिव हिम अ मैजिक वैंड, तो यस वो जो वुमेन थी उसको क्या देती है, मैजिक वैंड देती है। द जिराफ स्ट्रेच हिज लॉन्ग लेग, रॉन्ग, वो किसको लॉन्ग करवाता है, अपनी नेक को, ना कि लेग को। द एलिफेंट फिल ही ट्रंक विथ वाटर, तो यस वो एलिफेंट की तरह ट्रंक चाहता था और उसमें वाटर भरना चाहता था। द जेब्रा हैज स्ट्रेप्स, जेब्रा की तरह वो क्या स्ट्रेप्स चाहता था, उसकी बॉडी में था, हो गया था, यस। द लिटिल मंकी सी अ मॉनेस्ट्री इन द रिवर, यस जब वो अपने आप को रिवर में देखता है तो उसको क्या लगता है कि ये मॉनेस्टर है। द लिटिल मंकी नेवर वॉन्ट टू बी एनी वन एल्स, तो यस वो अपने आप को फिर से जैसा था वैसा चाहता था। लुक लिसन एंड रिपीट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, स्कूल स्केर, स्पॉट स्पेल, जूम जिप, ग्रो ग्रास, गेम जिराफ, ज्वाइन जम, स्ट्रिप स्ट्रिंग, स्कॉल्ड स्क्रब, स्पेल स्प्ली, जेब्रा जू, गर गेम, जेंट गर जम, जार जोकर। तो इस तरीके से देखिए, आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में। ट्राई टू रैमिंग वर्ड्स, मैजिक, तो आपको क्लासिक ट्राफिक, जूम डूम ग्रूम, जोकर लोकर डॉक्टर, है ना, तो सेम वर्ड्स आने चाहिए, सेम प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए आपके, गम बम सम, स्पून मून सून। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, ये वर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या लिखना है हमको। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल और बर्ड राइट इन द 5 सेंटेंस, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपकी जिसकी जो फेवरेट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उसकी आपको यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करनी है और उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है। करेक्ट द मिस्टेक एंड री राइट द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मिनी इज अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में है, तो इसको आपको कैपिटल में ही लिखना है एज इट इज, आपको और कुछ भी नहीं करना है। मैं एक लिख कर यहाँ पर दिखाई हूँ, सी इज माई सिस्टर, तो एस को कैपिटल करना है, एज इट इज बाकी क्वेश्चंस को आपको लिखना है। वाई आर यू क्राइंग, है ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू स्मॉल है उसको कैपिटल करना है। जय एंड राज आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जय कैपिटल करना है और फिर एज इट इज जय और राज की स्पेलिंग में जे और आर कैपिटल करना है। व्हाट डू यू वांट, यहाँ पर आपको डब्ल्यू को क्या करना है, कैपिटल करना है। दैट इज योर स्कूल, तो यहाँ पर टी को आपको कैपिटल करना है। तो इस तरीके से आपका यूनिट टू पार्ट फाइव यहाँ पर कंप्लीट होता है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ तक आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूँगी। थैंक यू।